वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. वी आर एट द बीच ऑफ गोवा एंड वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फर्स्ट ट्रिप विथ आवर क्यूट लिटिल बेबी. वी आर एट अगोंडा बीच और बहुत ही शांत और ब्यूटीफुल बीच है विथ ब्लू वाटर. This is our room and सामने ही बीच है. बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ब्लू वाटर और वाओ साउंड. इट साउंड्स लाइक रिदम. एक्चुअली गोवा आने का हम लोगों का बहुत दिनों से प्लान था और मैंने एक पोल डाला था अपना यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर आप लोगों ने वोट किया गोवा जाओ भाई, गोवा घूम के आओ लॉकडाउन के बाद. हम लोगों ने भी सोचा कि गोवा थोड़ा शांत सा कुछ जगह ढूंढते हैं गोवा में और चलते हैं बेबी को लेकर. तो बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि अगोंडा बीच एक ऐसा जगह है जहां पर हमें बीच हार्ट मिलता है. और साउथ गोवा का खासियत ये है कि बीच हार्ट में रहो, बीच को एक्सप्लोर करो, बीच पर ही रहो. बस वही करने चले आए. थोड़ा दो तीन दिन रिलैक्स करेंगे अभी साउथ गोवा पर, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग नॉर्थ गोवा. तो आज का हमारा प्लान जो है, इवनिंग को हम लोग बैक वाटर को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. एक बोट से बात हुआ हम लोगों का, एक्चुअली वो खुद चलकर आए हमारे पास कि आप लोग अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो. सो वी हैव डिसाइडेड टू गो देयर एंड चलो वहाँ पर जाके देखेंगे कैसा दिखता है. Guys, we are at Goa's backwater from on South Goa, Agonda. और बहुत ही खूबसूरत जगह है जैसे कि आप लोग देख रहे थे ड्रोन शॉट्स में. और हम लोगों ने बहुत मज़े किए और बाली ने भी बहुत मज़ा किया. हेलो कोथा एसी, वो बोल रहा था गोवा गोवा ऐसा कर रहा था. वो हुआ पानी से ज़्यादा लगाव हो गया उसका. और जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही मज़े किए हमने और इस मज़े का कारण मतलब बैकवाटर तो है ही और उसका सीनिक ब्यूटी बहुत ही बढ़िया था. हम लोगों ने सुना था कि साउथ गोवा बहुत खूबसूरत है और आज देख भी लिया. जिसने हमें दिखाया ही इज़ द मैन मेलविन. डेफिनेटली मैं उसका नंबर नीचे लिंक में दे दूंगा. आप लोग अगर साउथ गोवा आएंगे तो पालोलेम अगोंडा कहीं पर भी रहो, इस बंदे को कॉल कर लेना, ये आपको घुमा देगा. और मेलविन आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो. Hi, myself Melvin, and I'm started this eco-friendly river trips. Eco-friendly, innocent. It is we are not using any motor on the boat. We are doing a bamboo rowing. That way, you don't destruct any animals or any environment birds around. It is full of nature. You can come and experience over here in Agonda. And you don't forget to subscribe his YouTube channel. Thank you, Melvin, for promoting me also. Thank you.
बैकवाटर के मज़े लेने के बाद वी वेंट फॉर द बीच वेयर वी एक्सपीरियंस एन एब्सोल्यूट काम एंड ब्यूटीफुल सनसेट एंड आवर सन फेल्ट हिज फर्स्ट एवर वेव फ्रॉम द ब्लू वाटर्स ऑफ द गोवन बीच. The next day we took a boat ride to the cleanest beach on Goa, where we found blue water and white sand beach. We will explore that part of Goa in our next episode. So hope you guys like this video. Please do comment your thoughts, it keeps me motivated, and please do subscribe if you are new on this channel. See you on my next video. Till then, take care, bye bye and dhanyavad.